الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى जिस दिन इख्तियार करेगा आदमी जो उसने कमाया और निकाल जाहिर कर दे दोज़ख को जो चाहे देखे सो जिसने की वो शरारत रखी है उसका ठिकाना और जो कोई डरा हो अपने रब के सामने खड़े होने से और रोका हो उसने जी को ख्वाहिश से सो कुछ ही है उसका ठिकाना सदक अल्लाह के साथ गुजश्ते इजलास में हम लोग खरीदा और जिसके हमारे मौजूदों अभी करीब ने बिजली के हवाले से बात की वो मेरे ख्याल में तकरीबन आज 15-16 दिन हो रहा है कि बलोचिस्तान भर में जी उसी को मैं आगे ले जा उसी को सर पर ले जा रहा हूँ मस्जिद का भी आई क्योंकि मैं बलोचिस्तान के जमींदारों का सदस्य हूँ और आज भी है लेकिन उस कमेटी का इजलास भी नहीं बुलाया जाता। आज 20 दिन से बलूचिस्तान भर में जो है 15 से 20, 22, 24 घंटे बिल्कुल बाज़ इलाकों में तो टूफे से समझो जब पानी वहाँ पे लोगों को नहीं मिलता तो ये करबला का मंज़र है। ये जनाब स्पीकर साहब आज आप दोबारा रूलिंग दे दें, एक दफा तो ये है कि फौरी बिजली की बहाली रूलिंग क्या दे दें आप, हम फिर हम बैठेंगे उस पहले दे दे 50 अरब रुपए ऊपर चलाएंगे कैसे। अब हमें जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फंड में पड़े हुए वो 6 अरब हमें दे दे तो हम इस दौरानिए को बढ़ा देंगे। तो उसमें वजीर खजाना साहब ये बताएंगे कि वो 6 अरब रुपए इनको कब देंगे क्योंकि दनेश ने उस दिन एक यहाँ पे वादा वदूद किया कि उसने कहा कि जी जाम साहब ने कहा है कि मैं 2 दिन में पैसे दे रहा हूँ या 3 दिन में। अच्छा 2 साल में या 2 दिन बराबर नहीं उन्होंने कहा जल्दी पैसे देंगे अगर ये पैसे इनको कल मिल जाए। आप सुने एक मिनट मेरी बात सुने उसके बाद आप जब भी दें उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दे देंगे। जल्द से जल्द तो हम समझते हैं 1-2 दिन को, मेरे ख्याल में जल्द से जल्द का यही होता है जल्द से जल्द का। हमें ये नहीं पता कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जल्द से जल्द कितने साल को कहते हैं 2 साल को कहते हैं ये हमें नहीं पता। बहरहाल हम जल्द से जल्द 2 दिन को समझते हैं। तो उसमें यह था कि हम जल्द से जल्द दे देंगे, उन्होंने कहा कि जैसे ही पैसे दे देंगे तो हम दौरानिया बढ़ा देंगे। जी, तो अभी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्द जल्द से जल्द का भी माना जो भी ले तो ये पैसे इनको मिल जाए। स्पीकर साहब ये तकरीबन 24 अरब से सब्सिडी कीमत में कर्जदार है तो उन्होंने कहा तकरीबन लगभग 50 अरब बनते हैं। किसको काम का ये कहना था कि आप हमें कुछ पेमेंट कर दे ताकि हमारे भी थोड़ी वो हो जाए और ताकि हम बिजली को एक प्रॉपर सिस्टम में लेके आए। जिस पे दिनेश साहब ने कहा था कि सीएम साहब के बिहाफ पे मैं बात करूंगा तो उन्होंने कहा था कि ये 5 अरब रुपया हम रिलीज करने जा रहे हैं। अभी तक तो किए नहीं है, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और मजीद वो जो 4 घंटे बिजली हमें मिल रही थी देहात में या शहर में वो तकरीबन 2 घंटे तक आ गई है। जी, अभी दनेश आपने बात की है चीफ मिनिस्टर से? बात कर दूं, इजलास में हुआ था, आपने चीफ मिनिस्टर से इस हवाले से कोई बात? जी बिल्कुल बात हुई थी और हमारे सेक्रेटरी एनर्जी ने एक समरी बाकायदा सीएम बलूचिस्तान को लिखी है कि जी 5 अरब रुपए
कि इनके वाजबात हम देने जा रहे हैं, जो 26 अरब हम पर लाइबिलिटी है उसके लिए भी हम तहकीकात कर रहे हैं। ये कोई अभी की नहीं है, 2002 से लाइबिलिटी चल रही है, कोई हमारे गवर्नमेंट में नहीं, हमारे गवर्नमेंट पर तकरीबन अभी जो है ना 5 अरब की जो सब्सिडी होगी ट्यूबवेल्स की, हम वो देने जा रहे हैं। मैंने कहा हमने आकर वो समरी इनिशिएट किए और इंशाल्लाह मैंने कहा कुछ दिनों में हो जाएगी। ये मैंने सीएम साहब के बिहाफ पर करवाया था कि इंशाल्लाह, और आप देखें कि ये तो बजट में भी रिफ्लेक्टेड है। हमारे आज मिनिस्टर साहब उस दिन नहीं बैठे हुए वो भी बताएंगे कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने, अगर आप कहेंगे तो मैं वो समरी भी दोस्तों को दे दूंगा जो समरी इनिशिएट हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगर आपके नॉलेज में कुछ है। वो फेडरल सब्जेक्ट है, अपने ड्यूज नहीं देंगे तो आगे कैसे करेंगे? से और केस्को के हवाले से जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं भी उनके साथ जो है किसी हद तक मुत्तफिक हूँ। केस्को के साथ हमारे मसाइल जो हैं अभी के नहीं हैं, बल्कि कई अरसे से चल रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए बलूचिस्तान में जो बिजली की प्रोडक्शन है, जिसमें हबको है, हमारा उच्च पावर प्लांट है, अभी वो लपराचा पावर प्लांट है, वो कहीं ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है और बलूचिस्तान की जो ज़रूरत है वो बहुत कम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के बहुत से वसी अरीज इलाकों में अच्छा खासा लोड शेडिंग है, इवन के क्वेटा सिटी में भी अच्छा खासा लोड शेडिंग है और मामला जो है उनके साथ ठीक नहीं हो रहे हैं। 3-4 मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, जिसमें एक तो हमारी जो सब्सिडाइज्ड रेट पे जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं उनके साथ भी हमारे मामला तय नहीं हुए हैं, क्योंकि वो करते इस तरह हैं कि जो उनके लाइन लॉसेस हैं वो जाके गवर्नमेंट के जो जितने भी अदारे हैं उन पे जो है लगा देते हैं, और जब गवर्नमेंट उनसे पूछती है तो वो क्लियर कट कोई एक प्लान लेके नहीं आते हैं। अब मेरी भी उनके केस्को चीफ के साथ इस हवाले से मीटिंग हुई है, तो मैंने उनको कहा है कि आप मेहरबानी करके जो भी आपके वाजिबात हैं, लाइबिलिटीज़ हैं और जो भी आपके मामलात हैं, आप खुल के हमारे साथ बहस करें। आपने तो बलूचिस्तान में यहाँ पे FCR का कानून बना दिया है, अब तुर्बत में और मकरान में जहाँ जहाँ पे अगर बिलिंग कम होती है उसके भी बहुत से वजूहात हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे प्रॉपर मीटर रीडिंग नहीं है, बहुत सी जगहों पे जो हैं लाइनमैन नहीं जाते, बहुत सी जगहों पे बैंक्स भी नहीं हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जब भी कहीं लाइन लॉस ज़्यादा हो जाती है तो वो जो पुराना फाटा है जहाँ पे FCR का कानून था कि एक बंदा जुर्म करे पूरे इलाके को सजा दो, वो जाके वही करते हैं, पूरे जो है इलाके की जो बिजली काट देते हैं। अब मेरे अपने गांव बुलेदा की बिजली काटी हुई थी, बलनेगवर दश्त की बिजली काटी हुई थी, तो इनके साथ जो है हम सीरियस नोट पर बात करेंगे। वो कुछ उनके जो मामलात हैं वो बिल्कुल अब मामलात को जो है वो असर नो देख लें, और मिनिस्ट्री से भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी अपने मामलात को देख लें। अगर एक अच्छे टर्म्स पे आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है उनके साथ भरपूर तावन करेगी। जी मकसद ये है कि आज 15 दिन हुआ है पूरे बलूचिस्तान में वजू के लिए पानी नहीं है, जनाजे के लिए पानी नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, आप ऐसा करें, एक संगीन है मसला है, जब तक हुकूमत उनके साथ, इनको लेटर लिखें कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जल्द आपको पेमेंट करें, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत इस चीज़ को शुरू कराए ताकि लोगों को जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाए। जी दीदी की जो पुरानी पोजीशन थी वो कर के दिया सेक्रेटरी को। जी अंबर साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर, ऐवान की तवज्जो के इंतहाई अहम इशू की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ग्वादर में बाढ़ लगाने जा रही है, जिस तरह भेड़ बकरियों को बाढ़ में डाला जाता है, ग्वादर के लोगों को एक मंसूबे के तहत बाढ़ में डालने की मंसूबाबंदी की जा रही है। तो ऑलरेडी कमेटी तो बना दिया जनाब स्पीकर, उस पर ऑलरेडी 31 दिसंबर को मैं कोर्ट गया था, कोर्ट ने ये असम्बली के हवाले किया कि असम्बली फैसला करे कि किस कानून के तहत आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी हो रही है, किस कानून के तहत आप हमें बाढ़ में डाल रहे हैं, और असम्बली में इस पर बहस हो और कानून बनाया जाए और उस पर फिर हुकूमत अमल दरामद करे। उस पर असम्बली में बाकायदा बहस हुई, आपकी जनाब से रूलिंग हुई, पहले रूलिंग हुई कि 5 लोग कमेटी में डाले जाएंगे अपोजिशन में, गवर्नमेंट की प्रेशर की वजह से, क्या वजह से दोबारा से रूलिंग आई, फिर अपोजिशन गवर्नमेंट के भी उसमें मेंबर डल गए 5, तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं था कि कोई भी हो, लेकिन हमारा मकसद ये था कि वो ग्वादर आएँ, पब्लिक हेयरिंग करें, लोगों को सुने, लोगों के तहफ़ुज़ात दूर करें।
जिस पे 10 दिन स्पीकर ने कहा कि 10 दिन के अंदर कमेटी जाए ग्वादर में विजिट करे और आके असेंबली को रिपोर्ट पेश करे। कमेटी की हमारी 10 दिन में तो उस रूलिंग के मुताबिक मीटिंग ना हो सकी। 15 तारीख को हमारी मीटिंग हुई असेंबली में मेंबरांस की, तो डिसाइड ये हुआ कि 2 दिन बाद, क्योंकि हालात हुकूमत के दोस्तों ने कहा हालात शायद सही नहीं है, हम सफ़र नहीं कर सकते बाय रोड, हमें जब एली अवेलेबल होगी तो हम गवर्नमेंट की तरफ से एली के थ्रू 19 तारीख को आएंगे। मैं यहाँ से 16 तारीख को ग्वादर चला गया 15 को मीटिंग अटेंड करके। मैं रोज़ सेक्रेटरी साहब को वहाँ से फ़ोन करता रहा कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं, ताकि हम वहाँ लोगों को बताएं, लोगों की पब्लिक हेयरिंग हो, लेकिन अफसोस के साथ कोई नहीं आया जी। मिनिस्टर रेवेन्यू ने कहा था और एली का बंदोबस्त, असेंबली आपके असेंबली का इस्तेकाक मजरू हो रहा है, तो कोर्ट के हवाले से अब हमें कोई आप बताएं। गवर्नमेंट बार बार यकीनदानी कर रही है कि काम रुक गया है, काम इतनी स्पीड से हो रहा है और हो गया है कि मेरे ख्याल से 2 दिन का काम भी मुश्किल से रहता है। जनाबे वाला इतने दिन गुजर गए, ग्वादर के लोग पूछ रहे हैं कब असेंबली के अराकीन आएंगे, कमेटी कब आएगी, कब हमें सुनेगी और कब उस पर अमल दरामद होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं बताया जाए आया बाढ़ रुक गया है तो आप रूलिंग दे दें कि बाढ़ रुक गया है, बाढ़ पे काम होना है वो रूलिंग दे दें ताकि हम कोई दूसरा रास्ता निकालें, क्योंकि कमेटी तो मुझे नहीं लगती महीना हो गया है कमेटी अभी तक नहीं आ रही और बाढ़ कहाँ तक गया है, मैं आपको उसकी वीडियो तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। लेंगे तो हमने प्रोग्राम बनाया था लेकिन सीएम साहब के ऑलरेडी कुछ विजिट थे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में, तो इस वजह से अहली का बंदोबस्त नहीं हो सका। तो ये सेशन ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पे इंशाल्लाह ताला अहली का बंदोबस्त करके सारे दोस्त चले जाएंगे ग्वादर और जो भी रिपोर्ट होगी फिर कब तक एक्सपेक्टेड? मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे विद इन वीक जाने की कोशिश करेंगे जी। पूरा बलोचिस्तान मान लेके हालात खराब हैं जनाब। आप ऐसा करें अगर एली नहीं होता है तो इसका 1-2 दिन में प्रोग्राम बनाए, बाय रोड चले जाए। अगर एली नहीं मिलता एली रात को ग्वादर गया हूं, वापसी रात को आया हूं। मैंने तो उस दिन जब ये कमेटी के अंदर जब इजलास हुआ था तो मैंने यही तजवीज़ दिया था कि बाई रोड जाते हैं, लेकिन दोस्तों की तरफ से तजवीज़ आया था कि नहीं बाई रोड नहीं हेली में जाना है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा आ जाए। ये मिनिस्टर साहब ठीक है, हेली को छोड़ दें मेरे ख्याल में वो। जनाब स्पीकर साहब यहाँ पर कहते हैं कि हम बाई रोड जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम कमेटी में जाते हैं तो कहते हैं हम हेली में जाएंगे, बाई रोड नहीं जाएंगे। इन्हीं की तरफ से तजवीज़ आई थी। अब दो बातें ना करें, मेहरबानी करके इस तरह ना करें। कोई हेली हेली की जरूरत नहीं, दो चार दिन में प्रोग्राम बनाते हैं चले चलते हैं। अगर 1-2 दिन में प्रोग्राम बनाए हेली में जाते हैं बाई रोड जाते हैं को देखे डेट फिक्स कर दें। साहब अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो उस दिन का रिकॉर्ड मौजूद होगा, आप चेक कर लीजिए, मिनट्स को चेक कर लीजिए जी। कादर नायर साहब आप मेरिका कमेटी के यहां से मामला स्टडी कमेटी के हवाले किया गया, उसके बाद फिर हमारी एक मीटिंग हुई जो 10 अरकान थे हमारे, उसके अलावा हमारी जो अपनी स्टडी कमेटी है तो उसमें ये फैसला हुआ, राय ली गई थी कि कब जाए और किस तरह जाए, फिर एक डेट भी तय हुई थी जो सलीम साहब कह रहे हैं कि भाई हेली जाएंगे। इसमें जो सेक्रेटरी जो ऑफिसरा ने जो सेक्रेटरी साहब हैं उनकी तरफ से तहफ़ात थे कि हम अपने जो वज़रा या अरकान हैं उनको जो है सिक्योरिटी के हवाले से हम बाई रोड नहीं जा सकते, तो हेली की जिम्मेदारी सलीम साहब ने ली थी। मेरी जो है नहीं, अभी कौन से तारीख को जाना है, मेरी अपनी कुछ मसरूफियात थी, मैंने दोस्तों को बताया था, अख्तर हुसैन लांगो साहब ने मुझे कॉल की थी, मैंने कहा था कि 26 जनवरी का जो सेशन है सेशन जो ही खत्म होगा उसके बाद फिर यही 12 तारीख सही नहीं है, 12 और 15 के दरमियान जो जो असम्बली मेरे ख्याल 12 तारीख को अपना कमिश्नर साहब इश्तेहार देंगे, जाहिर है 4-5 दिन तो इश्तेहार में भी लगेंगे। नहीं हुआ था, हमने कहा कि उनको नोटिस देंगे असेंबली की तरफ से कि वो अरेंजमेंट कर ले वहाँ पर जो डिप्टी है। आप ऐसा कह रहे हैं भारत बारह या तेरह तारीख के जो भी तो
12 या 13 तारीख को देख ले नायल साहब, इसमें सही है, ठीक है, प्रोग्राम बना दे और उसको आगे लिख दें जी। शुक्रिया। वक्फा सवालात 243 दरिया फरमान। मोरख ने किसी को मास्टर्स, हाँ तभी सही नहीं है। जितने मेरे ख्याल में हेल्थ के वो मिनिस्टर्स तीन नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये जो जिनके जवाब मेरे पास हैं वो मैं दे दूंगी, 368, 306 और 361। क्योंकि डॉक्टर रुबाबा साहब बीमार हैं, खुद है नहीं, डिपार्टमेंट दिया है इसको, जिस जिस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है उसका डिपार्टमेंट का सरबराह जो है ना वजीर आला है। अभी आप देख के फिशरीज में हो रहा है, आपका जो है ना मौके मारे के वजीर जो है ना वो खुद वजीर आला है। इसमें हेल्थ इनको सारे क्वेश्चन जो हेल्थ के हैं वो डेफर करें अगले। इस मुअज्जज़ ऐवान को कोई अहमियत नहीं दे रहा है, वो गैलरी है ऑफिशियल्स की, एक दो सेक्रेटरी साहिबान के अलावा यहाँ पर न कोई सेक्रेटरी साहब आते हैं, न मुख में वो होम डिपार्टमेंट का कोई बंदा आता है, वो आपके सामने गैलरी है। इसी तरह न सेक्रेटरी वजीर आला न कोई वजीर साहब जवाब देने आता है। तो हमने हम जब आते हैं तो हमें अपने अवाम ने मुंतखब करके यहाँ भेजा है और हम सवालात करते हैं, वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ है, ये तो जुल्म है। ये हम किस लिए इतना खर्चा, अवाम के लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो सब अगले में इसमें डिफर कर दे सारे। मलिक नसी बीवासा किसके पास, दुमर साहब बैठे हुए ना मलिक, हाँ बलूचिस्तान की तारीख में इतना नहीं हुआ इतना, जनाब स्पीकर साहब वहाँ पे जानवर जैसे लोग इंसान लोगों से सुलूक किया जाता है। जब कोरोना नया नया है हमने एक कमेटी बनाई जनाब स्पीकर साहब, अपोजिशन ने सिर्फ सिविल अस्पताल का दौरा किया, हम खर्च होने के बाद आज उससे मेरे ख्याल में बुरी हालत आपके सिविल अस्पताल का जो है शिकल है आपको नज़र आएगा। जनाब स्पीकर साहब यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी साहब नूरुल हक साहब कंपिटेंट बंदा है, अब नया है, लेकिन यहाँ पे जिस जब भी किसी डीजी को लाया जाता है जूनियर लोगों को यहाँ पे डीजी बनाया जाता है, उनसे गलत काम करवाया जाते हैं। और आज जितने लोग देख रहे हैं कि आप वो आज नेब ज़दा है और वहाँ साहब की जूनियर जूनियर जितने भी जूनियर लोग हैं उनको डीजी के पोस्ट पे लाया जाए या उनसे जो है गलत काम किया जाए। फिर बदकिस्मती है कि अफसरान में भी और इतने बड़े करप्शन जो आज नेब में भी चल रहा है, उसके बाद भी जनाब स्पीकर साहब दोबारा उन्हीं लोगों को जिन नेब में उनकी केसेस चल रहा है दोबारा उनको उले। आज आप अपनी सेक्रेटरी को बुलाए कि जो लोगों का केसेस नेब में है कुछ दिनों से रिहा हुए हैं आज दोबारा कोशिश की जाती है। आज जितने जूनियर डीजी इस यहाँ पे हेल्थ में आए वो रुपए अरबों रुपए जो करप्शन के नज़र हुए वो भी आपके सामने है। इस तरह के लोगों को जनाब स्पीकर साहब यहाँ पे तो मेरिट का हमेशा कत्लेआम किया जाता है। जनाब स्पीकर साहब जो सीनियर तरीन है आप उनको लाए, जो कंपिटेंट है उनको लाए, उनसे काम ले ले। ये जो है माल गनीमत नहीं है, बलूचिस्तान के पैसे है अरबों रुपये। जनाब स्पीकर साहब मेरे ख्याल में कोलो आपके बलूचिस्तान में जितने लोग आपके कोरोना से मरे उनकी रिकॉर्ड नहीं है, वो अस्पतालों का लोग डर के मारे अस्पतालों का रुख नहीं करते थे वहाँ पे। तो आपको एक खासकर वहाँ पे जो ऑक्सीजन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर आगे खत्म हो गया जी। 89 मेरा क्वेश्चन है, इसमें आप पढ़ लें, उसमें मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को जितने फंड्स दिए गए थे उनकी डिटेल मांगी है, जबकि जवाब में मुझे महकमा सिर्फ तीन इंस्टीट्यूट का जो है वो डिटेल दे रहा है, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के इसमें कोई डिटेल आई नहीं। मैं काफ़ी देर से इसी को पढ़ रहा था, इनकी जो तफसील डिटेल्स हैं उसमें मुझे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट लोरलाई, एक मेडिकल कॉलेज तुर्बत और एक हमारा फिजिकल जो इसमें
जो एक इंस्टीट्यूट है हमारा कोयटे में, एक इन तीन इदारों का मुझे डिटेल दिया गया, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट का न सेवल हॉस्पिटल का इसमें डिटेल है, न बीएमसी का है, ओवरऑल हेल्थ डिपार्टमेंट को कितने फंड्स गए हैं उसकी कोई डिटेल नहीं दी है, ना उनकी तफसील दी गई है। तो ये मुझे सिर्फ तीन मेडिकल कॉलेजेस, ये पहले भी ये क्वेश्चन आया था, आप असेंबली का रिकॉर्ड सेक्रेटरी साहब बैठे हुए चेक कर लें, पहले भी इसी वजह से मैंने इस पर इतराज़ उठाया था और ये डेफर हुआ है क्वेश्चन। पहले भी इन तीन कॉलेजेस का मुझे इन्होंने तफसील दिया था जिसपे मैंने इतराज़ किया कि मैंने पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट के बारे में पूछा था, आप मुझे तीन इंस्टीट्यूट का कह रहे हैं। वो डेफर हुआ था आपकी स्पीकर की रूलिंग की वजह से डेफर हुआ था, हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया गया था कि आप मुकम्मल तफसील के साथ जवाब भेज दें। आज फिर उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में वही किए, उसी जो जवाब उन्होंने उस वक्त दिया था उसी को एज इट इज दोबारा असेंबली में भेज दिया। तो जनाब वाला कोई सीरियसनेस है नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में, करप्शन की जैसे मलिक साहब ने कहा इतनी ज्यादा करप्शन है कि उसको छुपाने के लिए असेंबली को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मेहरबानी कर लें आप इसको रूलिंग दे दें इस पे कि उसको मुकम्मल तफसील जो हमारा वजीर जो है वो वजीर आला साहब खुद हैं, लेकिन उन्होंने एक ऑथराइज किया हुआ एक पार्लियामानी सेक्रेटरी भी रखा हुआ असेंबली में, अगर इन केस कोई ना हो तो कोई ऑथराइज भी हो सकता है, असेंबली के कवायद जवायद यही कहते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री सवाल करना है उनसे कर लें, वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारा जवाब दे दिया है, तो वो उनको मुतमईन कर लेगी। वो कह रही है कि मैं पूरा सारे क्वेश्चन उसके नहीं है मेरे ख्याल मिनिस्टर कर। नालायकी देखे ये इस तरह ये हाउस के साथ ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे जवाब दे रहे हैं सवाल के बंदा देख के हैरान हो जाता है। इसमें मैंने जिली हेडक्वार्टर पशीन के बारे में कहा कि कितना आपने बजट मेडिसिन के मद में कितना बजट दिया है, उन्होंने बीएचयूज के दिए और इसका जिक्र तक नहीं किया है, जिक्र तक नहीं किया। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1,56,00,000 समथिंग हमने दिए हैं, जबकि एमएस का कहना है कि हम 1 रुपये भी नहीं मिला। जनाब स्पीकर साहब पिछले जो ये कोरोना वायरस गुजरा है उसमें जो है ना लाखों करोड़ रुपया फंड उसके लिए मुख्तस किए कोरोना के लिए ताकि कोरोना की वबा से बचा जा सके। जनाब स्पीकर साहब अब ये हालत हो गई है कि आपके हर जिले में तमाम कॉरपोरेशन के एरिया के जो सफाई सुथराई करने वाले थे जो वहाँ पे कॉरपोरेशन का हमला था उनको सबको नौकरियों से डेली वेजिस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया और शहर में हर जगह कचरे के अंबार लगे हुए और जो नालियां हैं वो गंद और कचरे से भरे पड़े हुए। जनाब स्पीकर साहब अब हमें ये नहीं मालूम कि ये मुंह पे मारेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं आज यार। ये सवाल का जवाब ही मैं आपको दे दूंगा बैठ जाए, इस सवाल का जवाब ही आपको दूंगा बैठ जाए, तशरीफ रखे पहले इस सवाल का जवाब दे उस सवाल का जवाब ही हम आपको देंगे, कोई मसला नहीं है। थे ठीक घंटे में एक्सेप्ट करते दे इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो भाई हिम्मत करो यार हिम्मत करो इस्तीफा जी जी अमर कलवती साहब जी आप छोड़े जी